नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथी व सम्मानित कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पर भुगतान करने से पहले जो माननीय अमित शाह जी ने वादा किया था कि 45 दिन के अंदर आप लोगों का भुगतान हो जाएगा, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए, तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी बातें बताई थी, लेकिन अब वो बातें कहाँ गई हैं, उनके द्वारा जो दिए गए भाषण वो कहाँ गए हैं। आप सभी को एक पुरानी वीडियो क्लिप है, उसको हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है आज का, क्योंकि इन्होंने जो याद दिलाई थी वो उनकी यादें कहाँ गई हैं, बातें कहाँ गई हैं। तो चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए सीधा वीडियो क्लिप के माध्यम से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर आगे नई बातें दिखाते हैं, देखिएगा। और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे, पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है, हमारे जो स्टॉक होल्डिंग के साथी बैठे हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है। मैंने उनको चाय पर बुलाया था, मैंने बोला इसमें कमाई आपको चौनी भी नहीं होने वाली है, मगर ये सेवा का काम है, आप तत्परता से करिए। मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है, और रेड्डी साहब ने भी 3 से 4 बार मीटिंग कर इसको गति दी है। मेरा मीटिंग करना तो स्वाभाविक है, मगर सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति जब आपकी परेशानी को समझकर इसके लिए परिश्रम करे, वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। मित्रों, लगभग 1.7 करोड़ निवेशकों को एक पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी, और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रूपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा ये शुरुआत है, अगर ये सफलता से होता है, और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं, इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है, और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ गई। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता, और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल पे शायद ना आ सके, मगर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे दावों का फिजिकली भुगतान संभव नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने सीएससी की व्यवस्था की है, सीएससी के माध्यम से आप ये आपका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, वो आपको पूर्णतया गाइड करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि देश के सारे सीएससी को ऑनलाइन ये पूरी व्यवस्था भेज दी जाए, वो इसका स्टडी कर आपकी सहायता करेंगे। ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मोबाइल आधार में जो रजिस्टर होंगे वो आपने बदल दिए होंगे, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और आपके बैंक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन तो करीब करीब सबका हो चुका है। इसमें दो ही प्रमुख शर्तें हैं, एक आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना, और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये दो जुड़ाव है तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है, और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है। आपके पास, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर
पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, इसमें आप जरा दीजिएगा। सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने अमित शाह जी का भाषण सुन लिया होगा, इन्होंने जो वादा तो कर दिया था लेकिन भुगतान हम लोगों का पॉसिबल नहीं कर पाए। अगर करा ही दिया होता तो आज ये नौबत न होती कि हम आप सभी को दोबारा इसकी याद दिलाएं, है ऐसा कि नहीं? ये हमने इसलिए दिखाया जिससे आप लोगों को पुरानी यादें याद आ जाएं। अब इतनी बेरहमी हो रही है पीड़ितों के प्रति कि कुछ संभव प्रयास नहीं किया जा सकता है आगे कि आखिर कैसे भुगतान मिलेगा। पोर्टल पर वर्क हो रहा है फिर भी न जाने इतने पीड़ित जमाकर्ता साथी हैं, लोगों का भुगतान क्यों नहीं मिल पा रहा है। सब घबरा घसोट चल रहा है पोर्टल पर, किसी का भी ठीक से तामझाम नहीं चल रहा है, किसी का भी भुगतान सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो ही आज के वीडियो में हम दिखाने के लिए आए हुए थे और कोई नई जानकारी नहीं थी। नई जानकारी आएगी हम तुरंत आपको जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।